हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत होता है। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और भी ऐसे ही रेसिपीज़ की वीडियोज़ को देखने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें एक छोटा बाउल मूँग का दाल डाल दिया है। अब इसे वॉश कर लूँगी। देखिए, मैंने एक पानी से वॉश कर लिया है, दूसरा पानी डाल के इसे सोक करने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे मैंने लिड लगा के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। 5 घंटे हो गए हैं, मैंने लिड हटा के अब चेक कर लिया है, ये अच्छे से सोक हो चुका है। अब इसे ग्राइंड कर लेना है। मैं इसे 2 बार में ग्राइंड करूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी। इसमें जीरा ऐड करूंगी, जीरे से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बड़े बोल में निकाल लूंगी। इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सब्जी मसाला। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून डाला है। धनिया पत्ती, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है चीला को सेकने के लिए। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब उस पर बैटर डाल दूँगी, इसे अच्छे से फैला लूँगी। इसे एक बराबर से ही फैलाना है जिससे कि ये अच्छे से बने। देखिए, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग पतला या मोटा कर सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे पकने देंगे। अब थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे चारों ओर से जिससे कि इसके साइड्स ईजली निकल जाएं। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा सा करछी की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं साइड्स को। अब ये अच्छे से एक साइड से सिक गया है। इसे करछी की हेल्प से पलट दूंगी और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसे एक बराबर से सेक लूँगी। देखिए, ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है। अब इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने चीला बना के तैयार कर लिया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू।